राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिक्षक दिवस के मौके पर देश के सर्वोच्च शिक्षक सम्मान सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान से नवाजी गई शहर की तारापुर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल इशिता डे को पुष्पगुच्छ एवं शॉल देकर सम्मानित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव एवं समाज सेवी बेली पोथन वाला भी मौजूद रहे। ये तो हम एक गर्व की बात है, हमें बहुत खुशी है कि सारे देश में इनको चुना गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हमें एक तरह से खुशी है क्योंकि हमने इनको कई साल से अपना कार्य करते देखे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हर टीचर में होना चाहिए कि शिक्षा देने में एक आनंद मिलना चाहिए और ये इनके अंदर में है। वो हर वक्त शिक्षा देने में बड़ा आनंद लगता है और बड़ा दिलचस्पी से काम करते हैं और हर वक्त कोशिश में रहते हैं कि हम इस तरह के तरीके अपनाएं जिससे बच्चों को आनंद हो सीखने में और वो जब उनको खुशी होती है सीखने में तभी मैंने चीजों को अच्छी तरह समझ पाते हैं और उनके मैंने उनको एक शिक्षा प्राप्त होता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों एवं उपलब्धियों को गिनाते हुए वर्तमान सरकार से उन योजनाओं में तेजी लाने की अपील की है। उन्होंने कहा, झारखंड में 2014 के बाद से शिक्षा क्रांति आई है, ऐसे में जो योजनाएं चल रही है उन्हें धरातल पर उतारने की जरूरत है। शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्वश्री डॉक्टर राधाकृष्ण कृष्ण पुरस्कार से हमारे जमशेदपुर के तारापुर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल श्रीमती आशिती डे एवं झारखंड के दो अन्य शिक्षक बोकारो और सिमडेगा से जो मान सम्मान प्राप्त हुए वो निश्चित रूप से जमशेदपुर सहित झारखंड के लिए गौरव का क्षण रहा। मैं इस अवसर पर श्रीमती आशिता डे वाइस प्रिंसिपल के साथ साथ दोनों शिक्षिकाओं को भी मैं उनसे हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में काफी संभावना है, सरकारी स्तर के हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, दोनों को सामंजस्य स्थापित कर हम झारखंड में एजुकेशन हब बना सकते हैं। काफी यहाँ पोटेंशियल है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इसी तरह सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल की शिक्षिकाओं के द्वारा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के कारण आज जमशेदपुर भी गौरवित हो रही है, झारखंड भी गौरवित हो रही है। मैं फिर से श्रीमती आशिता दे और उन दो शिक्षिका को काफी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारक। और मैं अभी सूर्य मंदिर के बगल आप देख रहे होंगे वुमेन यूनिवर्सिटी का निर्माण चल रहा है। इसी तरह टिमकन कंपनी के पास एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ताकि हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियों को MBBA या अन्य प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्य न जाना। रामगढ़ में गोरा में पहला झारखंड का इंजीनियरिंग मेडिकल महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया, काफी पॉलिटेक्निक ITI, क्योंकि आज दुनिया में ट्रेड वर्कर की डिमांड है और भारत में अगर हम देखें तो कुशल कामगार की बहुत कमी है और इसी को ध्यान में रखकर जहां झारखंड में बड़े पैमाने पर पलायन होते हैं बच्चे बच्चे उनको अगर स्किल्ड कर अगर हम यहां भी रोजगार दे सकते हैं तो देश दुनिया में कहीं भी रोजगार पहुंच सकते हैं, उसको अच्छी तरह का मिलती है। इस ध्यान से हमारी सरकार ने इसे शुरू की थी, मुझे उम्मीद है कि जो अच्छे काम है वर्तमान सरकार उसको पूरा करके झारखंड के पलायन को रोकने एक सहायक भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में बन रहे मणिपाल मेडिकल कॉलेज के अलावा महिला विश्वविद्यालय के 2021 तक पूरा होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने बताया कि झारखंड में मेडिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई का खाका उनकी सरकार ने खींचा है, वर्तमान सरकार उन कामों में तेजी लाए ताकि राज्य के छात्रों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री ने श्रीमती इशिता डे के अलावा राज्य के अन्य दो शिक्षिकाओं को सर्वोच्च शिक्षा सम्मान मिलने पर खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी।